कैसे गिरे भैया? अरे भैया इसमें लड़ गए, स्लिप कर गई क्या गाड़ी? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? कोई दिक्कत हो तो बताओ। चक्कर आ चलते मेडिकल मेडिकल में लेके चलते हैं। आओ भैया बैठो, चले बैठो गाड़ी। जो भी हैं तो वो आराम करते हुए ही नजर आ रहे हैं, यानी अभी भी यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है भाई, इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है भाई। कीचड़ वगैरह है, बाइक थोड़ा सा स्लिप ना कर जाए भाई यहाँ पर, नहीं तो मेरा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं कुछ कपड़े लेके भी नहीं चला हूँ, यहीं मटिया मेट हो जाऊँगा, एकदम रन पिक्चर का विजय राज हो जाऊँगा। ये देखिए, इस हिस्से की ढलाई हुई है जिसके ऊपर पानी वगैरह डाला गया है जो तरावट के लिए, वो पानी नीचे गिर रहा है। यहाँ पर ये क्रेन देखिए काम कर रही है और वो सामने कुछ लेबर ऊपर काम कर रहे हैं। इसी ये देख लीजिए भाई, ज़बरदस्त एकदम मज़ा आ जाती है भारी भारी मशीनें देखकर। ये आप देख सकते हैं, इसकी भी रोड़ियाँ यहाँ पर रोड पर पड़ी हुई हैं और ये पूरा ही खाली हो गया है। तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं हूँ अमान और आप देख रहे हैं टी जेड विद अमान। तो आज का ये पार्ट टू है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का। इससे पहले पार्ट वन में आपने देखा था मैं बनी तक आया था एयरपोर्ट के बाद से, यानी लखनऊ एयरपोर्ट के बाद से मैं आया था बनी तक, ठीक है। और बनी से ही मैं पार्ट टू को स्टार्ट कर रहा हूँ। चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं क्या क्या काम हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए और जो लोग भी चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, वीडियो को फटाफट लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का जब भी मैं कोई कंस्ट्रक्शन का वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए पार्ट टू को स्टार्ट करते हुए हम चलते हैं आगे का, वीडियो आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के काम को क्यों रोका गया था। NHAI ने ये वजह दी है, ये कार्यदायी संस्था जो PNC यहाँ पर जो काम कर रही है उसको निर्देश दिए गए हैं कि पहले सुरक्षा मानकों का पालन करें, उसके बाद ही काम शुरू करें। तो ये गुरुवार के दिन मैंने वीडियो शूट किया था और उसी दिन के ये ऑर्डर हैं। देखिए गुरुवार के दिन जो है गार्डन बीम रखने या अन्य किसी काम को बंद रखा गया था, ठीक है। ये कितने दिन बंद रहेगा इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। 3000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में कार्यदायी संस्था को पहले ही से बने राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव भी करना था, यानी कि अभी जो कानपुर हाईवे है लखनऊ कानपुर हाईवे, इसका रोड भी चालू रखना था भाई, ट्रैफिक को दिक्कत ना हो, ठीक है। पब्लिक जो डेली सफ़र कर रही है उनको कोई दिक्कत ना हो और सेफ्टी पैमाने पे भी ध्यान देने की ज़रूरत थी, जैसे कि मैं अपने वीडियो में अक्सर आपको बताता हूँ। शुरुआती जाँच में एक लापरवाही सामने आई है जिसकी वजह से रोड सेफ्टी एक्सपर्ट को भी हटा दिया गया है। मैं लापरवाही बताता हूँ क्या हुआ है, सामने आप देख सकते हैं। प्रारंभिक जाँच में पाई गई थी लापरवाही। बता दें कि 3000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में कार्यदायी संस्था को पहले से बने राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव भी करना था। बुधवार को लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य होने के दौरान हाई टेंशन लाइन को एलिवेटेड रोड के ऊपर से निकालने के लिए मोनोपोल खड़ा किया जा रहा था। पोल खड़ा करने के दौरान ही क्रेन का तार टूट गया था, पोल कार के ऊपर गिर गया और कार इससे क्षतिग्रस्त हो गई थी भाई। कार्यदायी संस्था आर्यवंश प्राइवेट लिमिटेड की लापरवाही प्रारंभिक जांच में पाई गई थी, ठीक है भाई। वो पोल एक कार के ऊपर गिर गया था, वो कार पूरे तरीके से डैमेज हो गई थी, जिसके वजह से NHAI ने ये सख्त निर्देश दिए हैं कि भाई पहले जो चालू ट्रैफिक है उसके हिसाब से पहले सेफ्टी का जो है पालन करें, लोगों को सेफ रखें। इसके लिए इस काम को अभी फ़िलहाल रोका गया है, क्योंकि ये घटना स्कूटर इंडिया के आसपास की है। मैं बता दूं वहाँ पर हाई टेंशन लाइन को एलिवेटेड रोड के ऊपर से निकाला जाएगा, ठीक है। इसकी ऊंचाई करीब 40 मीटर से अधिक है। वहीं पर बरसात के बाद कार्यदायी संस्था को लखनऊ कानपुर हाईवे की सड़क को बनाने के भी निर्देश दिए गए, यानी अभी जो हाईवे है उसकी सड़क बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये देख लीजिए भाई, यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो ख़त्म की थी। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो कॉलम है ना, इसके लिए अभी सिर्फ़ और सिर्फ सरिया नज़र आ रही है, इस कॉलम की अभी ढलाई नहीं की गई है। लेकिन ये सर्विस लेन जो उतारी जा रही है यहाँ पर, या कॉलम का सपोर्ट मतलब कॉलम ढाल के उसका सपोर्ट भी लगा दिया गया है। अब ये देख सकते हैं भाई, इतना काम यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है। पिछले वीडियो से इस वीडियो में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना काम और हुआ है या कितना जो है तेज़ी आई है काम में, ये आप देख सकते हैं भाई। क्योंकि यहाँ पर अभी भी देख लीजिए, आज का दिन है थर्सडे और यहाँ मैं समझता हूँ कि लेबर मुझे कम ही दिखाई दे रहे हैं, अव्वल तो दिख ही नहीं रहे, और जो भी हैं तो वो आराम करते हुए ही नज़र आ रहे हैं, यानी अभी भी यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है भाई, इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। JCB जो क्रेन जो है
उस क्रेन की वजह से मेरे रास्ते वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा मेरे लिए, मतलब मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये देखिए भाई कीचड़ वगैरह है, बाइक थोड़ा सा स्लिप ना कर जाए भाई यहाँ पर, नहीं तो मेरा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं कुछ कपड़े लेके भी नहीं चला हूँ, यहीं मटिया मेट हो जाऊँगा, एकदम रन पिक्चर का विजय राज हो जाऊँगा। ये क्रेन है भाई, कोई काम कर रही है ऊपर, इसको मैं थोड़ा सा दूर करके आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए भाई कुछ इस तरीके का काम यहाँ पर है, बीम वगैरह रखी हुई है, पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा बीम वगैरह रखी थी। ये देखिए इस हिस्से की ढलाई हुई है जिसके ऊपर पानी वगैरह डाला गया है जो तरावट के लिए, वो पानी नीचे गिर रहा है। यहाँ पर ये क्रेन देखिए काम कर रही है और वो सामने कुछ लेबर ऊपर काम कर रहे हैं। इसी तरीके का काम भाई इसमें यहाँ पर हो रहा है और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये जो बीम है ये देख लीजिए कितनी हैवी बीम है भाई, ये देख लीजिए ठीक है। और हैवी क्यों ना होंगी, क्योंकि इसके ऊपर जो ट्रैफिक रन करेगा ना भाई, तो जब ये ओवरब्रिज चालू हो जाएगा एक्सप्रेसवे, उसके बाद आप इस पर देखिएगा कितना हैवी ट्रैफिक रन करने वाला है, खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ढलाई वगैरह हो रही है। अच्छा बीम राइडर क्या बात है, मेरे मुंह से फूल झड़ने ही वाले थे वो, लेकिन वो भाई निकल गया आगे। तो ये देख लीजिए भाई ये जो बीम की ढलाई वगैरह है ना ये की गई है, और इसके अंदर जो पाइपिंग के अंदर आप जो लोहे की रॉड देख पा रहे हैं, छोटे छोटे तार, इसका क्या इस्तेमाल है भाई ये तो मुझे नहीं पता, जिनको पता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ठीक है। तो ये जो ओवरब्रिज है सीधे निकल गया है और मेरे जस्ट बगल में चल रहा है अभी लखनऊ कानपुर हाईवे, ठीक है बगल में ही है इधर लेफ्ट साइड, और ये जो जा रहा है एक्सप्रेसवे वो सीधे निकल गया है और ये हाईवे जो है वो यूं घूम गया है। तो वहीं चल रहे हैं हम और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम चलेंगे उस ओवरब्रिज के नीचे जहां पर एक्सप्रेसवे बनी की तरफ उतर रहा था, छोटे सर्विस लेन जो उतारी जा रही थी वो हम दिखाते हैं आपको। देखिए गर्म के मारे हालत ख़राब हो रही, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गलत बोल दो भाई तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ये देखिए कितनी हैवी क्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है, ये देख लीजिए भाई ज़बरदस्त एकदम मज़ा आ जाती है भारी भारी मशीनें देखकर, संभाले नहीं संभाले गाड़ी भाई से, गर्मी में सबका दिमाग ख़राब है। यहाँ पर देखिए मछलियाँ मिल रही हैं भाई, यहाँ लेबर मछलियाँ खा खा के काम कर रहे हैं तो ताकत तो होगी ही। ये देखिए सब्ज़ी पूरी मंडी लगी हुई है, एक्चुअली सब्ज़ी मार्केट लगी हुई है, और ये सीधे चला गया ओवरब्रिज। ओवरब्रिज के नीचे जो आपको रोड दिख रही है वो कानपुर हाईवे है, राइट साइड निकल गया है और हम चलेंगे इसके नीचे, वो रास्ता आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो आपने पिछली वीडियो में देखा था और जो मैंने आपको बताया था ठीक है। पूरा मार्केट सजा हुआ है भाई यहाँ पर पीछे आपने देखा, और ये पानी देख लीजिए अभी भी भरा हुआ है, पानी की निकासी यहाँ पर नहीं है। और मैं चलूँगा इसके अंदर से ही, गहराई नापेंगे हम, ज़्यादा गहराई भी नहीं है, मुझे लगा था कि ज़्यादा गहरा हो गया होगा, लेकिन पक्का रास्ता है ये। ये देखिए भाई मैं इस एक्सप्रेसवे के नीचे आ चुका हूँ, यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे से बनी पर जो एक लेन उतारी जा रही थी और यहाँ से ही एक चढ़ाई भी जा रही थी, तो चढ़ने वाला तो रास्ता ये है भाई और उतारने वाला ये इस तरफ है, इस तरफ है उतारने वाला, और इधर से मैं उस पार नदी के नहीं जा सकता, रास्ता नहीं है, तो मुझे वापस से उस रोड पर जाना पड़ेगा। उस रोड से होते हुए मैं हमेशा की तरह उस पार चलूँगा ठीक है। तो भाई यहाँ से हम निकलते हैं और रोड के ऊपर से आपको दिखाते हैं स्टेटस कि कैसे किस तरह का काम हुआ है और कितना बाकी है, वो सारी ही चीज़ें मैं इसमें दिखाऊँगा आपको ठीक है। तो ये देखिए भाई मैं वापस से इस हाईवे पे आ गया हूँ, कानपुर लखनऊ हाईवे पे सीधे चले जाएंगे, तो अंदर लखनऊ साइड है और इधर हम चलेंगे कानपुर साइड। देखिए इधर हम चलेंगे आगे उस नदी के किनारे। फिलहाल ये देखिए भाई यहाँ कोई बाइक लेके गिर गया है और उम्मीद करता हूँ भाई सही सलामत होगा, क्या हुआ चोट आ गई है, चल के देखना होगा। ये देखिए भाई साहब ये हालत हो गई है बाइक की, कैसे गिरे भैया
इसमें लड़ गए, स्लिप कर गई क्या गाड़ी? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखिए हाथ में लगी ना ये बस। हाँ यार, जिस हिसाब से लड़े हो तो बच गए बहुत ज्यादा यार। क्या हुआ कब? लगी तो इस पे बैग आगे आ गया था ना। कोई और दिक्कत तो नहीं लग रही? उठ के खड़े हो, खड़े हो जाओ। नहीं भी थोड़ा सांस ले लो, आप थोड़ा ज़्यादा। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? हॉस्पिटल हॉस्पिटल जाने का तो नहीं सीन है? चले है भैया, ये तो लगवा ही लो यार, हाथ में तुम्हारे चोट लगी। पक्का ना भैया? पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बस खाली हवा चाहिए, बस खाली हवा लगे। ठीक है ठीक है, लेटर आओ जब तक। पता नहीं क्या हुआ यहाँ से झट से। नहीं ये रोड़िया है ना, गिट्टिया है यार, इसके वजह से हुआ। कहाँ रहते हो? डालीगंज। कहाँ से आ रहे थे यार? अरे वो वहाँ रुस्तम गए थे। अच्छा अच्छा, लौट रहे थे, अचानक ब्रेक लगी तो अगली ब्रेक दबा दिया तुमने? अगली नहीं, पिछली लगी। पिछली से स्लिप हो गए? पिछली स्लिप, बहुत मोटी गिट्टी है ना, तभी हाल है ज़्यादा तेज। समझ लीजिए भाई, बड़ा मामला ख़राब है ये भैया रोड़ी। हाँ ये इसी रोड़ी से रपट गए भाई ये, और बहुत बहुत बच गए भाई इसके अंदर। हाँ, का है ना, नंबर प्लेट वगैरह सब चिथड़ा हो गई ये तो। इसका हेड वाइजर देखो सब पूरा सामने से ये लड़ जाए, अगर सर वर लड़ जाता तो दिक्कत हो जाती बाइक की। ये कंडीशन हो गई भैया, ये देखिए ये बाइक है, इसका हेड पूरा गायब हो गया। तो भाई यही सब, एक बार उठ के खड़े तो हो जाओ। खड़े हो जाओ, चल के देखो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। हेलमेट ले लिया। अच्छा, ज़्यादा हेलमेट ले लिया। हाँ जिस हिसाब से लड़े हैं ये बच गए, ऊपर वाले ने बचाया। हेलमेट काम ही चीज नहीं है ना, ये पूरा सब खत्म। नंबर प्लेट रख लिया, नंबर प्लेट ले ले भैया। ये देखिए भाई, बड़ा मसला है। जैसे कि मैं अक्सर रोड़ियों की बात करता रहता हूँ, इस रोड पर जब भी हैं बहुत संभाल के चले। भाई की दिक्कत सिर्फ ये थी कि उन्होंने बजड़ी जो रोड़ी पड़ी थी उसके ऊपर गाड़ी चला दी, ठीक है, उसके ऊपर बाइक चला दी, जिसके वजह से इनको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। भाई बहुत बहुत अल्लाह ने बचाया इनको, जिस वजह से समझ लीजिए ये हेलमेट पहने थे तो बच गए, हेलमेट ना पहने होते तो सर पर अच्छी खासी इनको चोट लगती। हॉस्पिटल भाई उनको कह रहे हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए, देखते हैं हम हॉस्पिटल भाई को थोड़ा सा हेल्प करवा देते। भाई के चोट लगी हुई है, अंदरूनी चोट है, वो अभी नहीं पता चलती है, कुछ वक्त के बाद पता चलेगी। फिलहाल हम देखते हैं इनको। चक्कर चलते मेडिकल मेडिकल में लेके चलते हैं। आओ भैया बैठो, चले बैठो बैठो, गाड़ी यहाँ खड़ी करा ले तुम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बैठो। बैठो बैठो बैठो, सही से बैठ जाओ भैया। चले थोड़ा सा सही से बैठ जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं? गिरोगे तो नहीं भैया? चलो भाई, चलिए भाई मैं इनको ज़रा थोड़ा सा हॉस्पिटलाइज करा दूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे। थोड़ा हम गाइड करें भाई अपने आप को, हेलमेट पहनने से क्या सेफ्टी है। इसीलिए हेलमेट हम लगा रहते हैं, हमेशा लगा रहते हैं, सिटी में हो या कहीं में। हाँ हेलमेट हम बिल्कुल छोड़ते नहीं, हेलमेट ज़रूरी है भाई। आपने हेलमेट किसी ना पुलिस वाले ने ट्रैफिक पुलिस के किसी के उसके लिए नहीं होता ना, नहीं अक्सर लोग इसीलिए पहनते हैं कि बचाव हो जाएगा, चालान नहीं कटेगा, लेकिन वो अपनी सेफ्टी के लिए रहता है भाई। आप हेलमेट नहीं लगाते ना, उनके लिए खुद दिक्कत है। हम वही कह रहे हैं, अभी ऐसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, अभी ऐसे लगा हल्का एक्सीडेंट हुआ। और मुझे वीडियो शूट करने जाना था, फिलहाल उनकी हालत तो अभी ठीक लग रही है, इसलिए मैं अपने वीडियो को कम्प्लीट करना चाहता हूँ। चोट ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन सर जो है ना वो डिवाइडर में लड़ गया था। हेलमेट पहना था भाई ने, ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट था इनका, जिससे इनको एक मिस हैपनिंग होने से
कह लीजिए कि एक बहुत ही गंभीर हानि से बच गए ये, ठीक है। तो भाई आप समझ लें कि हेलमेट की क्या अहमियत है। तो जब भी सफ़र करें तो हेलमेट ज़रूर पहने। और मैं वापस से जा रहा हूँ अपनी उस लोकेशन पर जहाँ पर वीडियो मैंने रोकी थी, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं आपको उस सई नदी के ऊपर। बारिश होने लग गई है, क्या बात है, मैं इसके आगे जा क्यों नहीं पा रहा हूँ, इसके आगे मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही आगे गया था एक तो मिस हैपनिंग आपने देखी, उसके बाद अब ये बारिश हो रही है। लगता नहीं है कि मैं आगे का व्लॉग शूट कर पाऊँगा, मुझे लगता है किसी और दिन स्पेशल आना पड़ेगा इसके लिए। थोड़ा देर वेट करते हैं हम, ढाबा है प्रधान ढाबा, चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, जैसी बारिश रुकती है फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं आगे वीडियो शूट कर पाऊँगा कि नहीं। ओके भाई, जितनी देर मैंने नाश्ता पानी किया यानी चाय पी है ना, उतनी देर में बारिश रुक चुकी है, लेकिन कुछ देर बाद बारिश फिर से स्टार्ट होगी और मुझे लेना है यहाँ से यू टर्न, क्योंकि मैं रॉन्ग वे आ गया हूँ भाई, मुझे अपनी लेन में जाना पड़ेगा। कुछ देर बाद बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो मुझे वीडियो फिर से बंद करना पड़ जाएगा। जल्दी जल्दी से चलते हैं, शूट कर लेते हैं जहाँ तक कि हम शूट कर पाएंगे, ठीक है भाई। ये देखिए भाई, बारिश के बाद से जो लोग अभी तक छिपे हुए थे भीगने से बचने के लिए, वो सब एक साथ रोड पे आ गए हैं, जिसकी वजह से जाम लगने लग गया है। जब मैं नीचे गया था आपको दिखाने के लिए वो रास्ता, तो वहाँ से मैं वापस लौट आया था, लेकिन यहाँ पर आप ये देख लीजिए लेन उतरने वाला रास्ता ये है। यहाँ से इसको कहाँ ले जाएंगे ये एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इसके बाद हम जहाँ खड़े हैं काफ़ी ज़्यादा हाइटेड है, ऊंचाई पर है, और वो हिस्सा है नीचा। क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये तो जब बनेगा तभी पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो लेन उस तरफ से चढ़ाई जा रही है, उसके सिर्फ कॉलम बने हुए हैं, उसको नीचे उतारने के लिए कोई नक्शा भी नहीं है इस तरफ, यानी कुछ जैसे अभी यहाँ खुदा पड़ा है वैसा उस तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है भाई। तो ये आप देख लीजिए, ये स्टेटस है यहाँ का सई नदी के किनारे का। तो और बाकी चीज़ें आप देख लीजिए, रेलिंग अभी भी वैसे ही है, उसकी ढलाई नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा ढलाई करते हुए आ रहे हैं उस तरफ से। तो अब हम चलते हैं आगे और दूसरे साइड से चल के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं भाई। ये अंडरपास को तेज़ी से बनाया जा रहा है, ये देखिए उसके ऊपर ढलाई के लिए सरिया वगैरह बांधी जा रही है, कितनी तेज़ी से, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये काम दिखाने आया हूँ भाई, बारिश की वजह से यहाँ पर कीचड़ हो गया है, तो मैं बहुत आगे तो नहीं जाऊँगा फ़िलहाल। ये अंडरपास आप देख लीजिए, इस अंडरपास को साइडें अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन अब आधे से ही इसके ऊपर स्लैब डालने की भी तैयारी की जा रही है, आप ये देख सकते हैं। फ़िलहाल हम चलते हैं इसके ऊपर चलते हैं, और क्योंकि हमेशा इस साइड से जाते हैं और इस साइड भी पानी भरा हुआ, आगे ज़्यादा कीचड़ है, मुझे बाइक निकालने में दिक्कत होगी, इसलिए हम कोशिश करते हैं इसके ऊपर चलने की। देखते हैं इसके ऊपर चल के हम कहाँ तक जा सकते हैं, रोड जो बनी हुई थी वो रोड कहाँ तक है वो देखते हैं। बाइक स्लिप हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है बाइक, ये देखिए भाई, अब थोड़ा सा अच्छा लगा और पैरों में मिट्टी आ गई है। फटाफट हम लोग इसको शूट कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो बारिश होने लग जाएगी भाई, दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए मैं आ चुका हूँ इसके ऊपर, और ये अंडरपास जो हमारे पीछे है वो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से उसमें काम किया जा रहा है, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पर मुझे अभी लेबर काम करते हुए दिख रहे हैं जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, ठीक है भाई। और यहाँ पर ये देखिए रोड बन चुका है, ये देख सकते हैं आप, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये दिखाया था, ये रोड बन चुकी है, ठीक है। और सामने ही वो जो ढाल को उतारने की तैयारी की जा रही है, सामने आप देख सकते हैं भाई, ठीक है। उस तरफ से मैं नहीं जा पाया क्योंकि कीचड़ कुछ ज़्यादा ही हो रखा है और बाइक वगैरह मेरी स्लिप कर जाएगी तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। और किसी तरह का भी स्ट्रेट लाइट के लिए कॉलम नहीं नज़र आ रहा है मुझे इसके ऊपर, ठीक है, डिवाइडर पर कोई कॉलम नहीं नज़र आ रहा। और यहाँ पर आप बीम देख सकते हैं भाई, बीम की तादाद बढ़ चुकी है और बीम आए हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अब ये जो हिस्सा है इसको किस तरह से लाएंगे, कॉलम पे लाएंगे या रोड में मिट्टी की पटाई करके लाएंगे, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बीच का हिस्सा अभी इसलिए खाली है क्योंकि यहाँ पर डंपर वगैरह आने का रास्ता बनाया गया है, सिर्फ इसलिए, ठीक है। ये देख लीजिए बीम वगैरह भी रखी है, मटेरियल रखा हुआ है। तो भाई ये यहाँ पर आप ये स्टेटस देख सकते हैं, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे, ठीक है, बनी के बाद से कुछ इस तरह से होने वाला है, एलिवेटेड है,
ठीक है, और ये उन्नाव के कई गांवों को स्किप करते हुए निकलेगा आज़ाद मार्ग पर, कानपुर के आज़ाद मार्ग पर, जहां से आप जा सकते हैं गंगा बैराज साइड में और जाजमऊ साइड जा सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आपको कई रास्ते मिल जाएंगे और वहीं कानपुर का जो रिंग रोड बन रहा है वहां वो भी आपको मिल जाएगा। प्लस सोनिक में आपको गंगा एक्सप्रेसवे मिलने वाला है, कई एक्सप्रेसवे और हाईवेज़ को जोड़ते हुए ये जाएगा, ठीक है भाई। तो मैं लेकिन यहाँ तक आ चुका हूँ, मिट्टी गीली है इसलिए मैं आगे नहीं जा सकता भाई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आऊँगा तो आपको आगे से चल के भी दिखाऊँगा, और किसी दिन मैं कोशिश करूँगा, जैसे अक्सर कह रहा हूँ मैं जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब फिर ज़रूर कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि मैं इसको आगे ले चलूँ। अब यहाँ से इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा और पच्छी विहार साइड ले जाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है भाई। तो ये आप देख लीजिए भाई, ये रही वीडियो और ये रहा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का स्टेटस, जो हमें इन फ्यूचर 35 मिनट में लखनऊ से कानपुर पहुंचाएगा और 35 मिनट में ही कानपुर से लखनऊ ले भी आएगा, ठीक है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो ये जो है वक्त बताएगा कि इस दावे में कितनी सच्चाई है, ठीक है भाई। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भाई एक रिक्वेस्ट आपसे, खासा रिक्वेस्ट, हेलमेट ज़रूर पहने जब आप बाइक चलाएं तो, ठीक है, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती है, ठीक है भाई, हेलमेट ज़रूर पहने वो, उससे अगर आप हेलमेट इस डर से पहन रहे हैं कि चालान हो जाएगा अगर हम नहीं पहनेंगे तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगी, तो भाई इस डर से अगर नहीं पहन रहे हैं तो इसमें आपकी बेवकूफ़ी है, ठीक है। इसमें पुलिस का कानून का कोई लेना देना नहीं है, अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो वो आपकी सेफ्टी है भाई। वो सख्ती इसलिए करते हैं कि आपके मन में डर रहे, चालान का डर, क्योंकि आप पैसे देंगे तो आप सोचेंगे भाई अगली बार से मैं गलती ना करूं, ठीक है। तो वो हेलमेट पहन लेंगे तो भाई आपकी सेफ्टी है, आपके घर परिवार के लिए किया जाता है, आप सेफ रहें, ठीक है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें, कभी भी बाइक चलाएं तो हेलमेट पहनें, कार चलाएं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, ठीक है। किसी भी तरीके की ड्राइविंग करें तो उसके हिसाब से जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उसको फॉलो करें, उसके नियम के अनुसार ही चलाएं, अपने आप को जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश ना करें, ठीक है भाई। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, खुद भी सेफ़ रहें, दूसरों को भी सेफ़ रखें। हमेशा गलती आपकी नहीं हो सकती, सामने वाले की भी गलती हो सकती है, इसलिए भाई सतर्क रहें और बहुत ही ख्याल रखें अपना और अपने घर वालों का और दूसरों का भी, ठीक है भाई। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।